नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा दोस्तों, हूँ ये जो हमें गोवर्धन ये पूजा जो होती है, बेल उससे दिखाई पहले दी है जो हमारे आपको, ये यहाँ द्वितीय घनई की त्यौहार या बेल है। भैया दूज घनई का नाम जो से त्यौहार जानी होता जाती है, है उसके इसके लिए जो उपयोग जो हैं चूड़े हमारे वहाँ वो बनाए मैं जाते हैं, वो आपको कैसे बाद में बनाए जाते हैं, वो बताऊंगा। नेक्स्ट खलपुत्रा वीडियो में एक प्रकार इसको है, खास ये तौर पे ओखल गोवर्धन है। पूजा के दिन पूरा जो ही आप मैं आपको दिखा इसका पा रहा महत्व हूँ है इस बेल स्क्रीन पे का। अपनी, इसके बारे में मैं आपको ये एक ओखल है, इसके जो अधिक अंदर जानकारी वो है वो धान नेक्स्ट को वीडियो में दो बताऊंगा। तीन आगे मैं दिन आपको पहले दिखा रहा भिगाया हूँ जाता है, गोवर्धन सब पूजा जो पे होती है बर्थडे हमारे एक हफ्ते उत्तराखंड पहले, में, फिर वो उसके किस बाद तरह उसे से होती कूटा है। जाता है, वो ये बेल कैसे है कूटते हमारी, हैं इसको हम रख आगे मैं देंगे एक वीडियो में स्थान आपको पे, दिखा रहा हूँ। जहाँ ये चूड़े जो हैं जो हमारे बने थम हुए कहते हैं, हैं वो मुख्य रूप से होता है एक, जैसे यहाँ पे ये बहुत पुराना है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये लगभग होगा जी जब से गौशाला बना है 50-60 साल से पुराना है। इसे थम बोलते हैं उत्तराखंडी भाषा में, लेकिन मैं अभी इसको यहाँ पे नहीं यहीं पे रखूंगा, क्योंकि मैं जो गोवर्धन पूजा का पूरा कार्यक्रम है वो मैं यहीं पे करूंगा, तो इसको यहीं पे मैं रख दूंगा। अब मैं आपको आगे कोई भी प्रोसेस होगा मैं दिखाते रहूंगा। अब मैंने यहाँ पर दीप जला दिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई कर दूंगा। साफ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा इसमें टीका लगा दूंगा। जो टीका है हमारा, टीके की थाली ये है, इस उंगली से मैं इसमें लगा दूंगा। खाम है जो हमारा, इस पे ऐसे, ये चंदन है, चंदन भी, अक्षत, और ये फूल भी रख दूंगा यहीं पे है। और जो ये पकवान बने हुए हैं हमारे, ये तरोर नाम से जाना जाता है। ये कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, पकवानों की जो उस बनाऊंगा टॉपिक पे, तो उनके उस तब बताऊंगा मैं आपको। और ये है हमारा बड़ा, ये आज मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं गोवर्धन पूजा के दिन। गोवर्धन पूजा के बारे में जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि गोवर्धन पूजा जो है हमारी, गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर उठा दिया था, और गौ रक्षा और पशु रक्षा के प्रति कृष्ण ने एक संदेश दिया था पूरे मानव जाति को। तो उसी का एक प्रतीक के रूप में हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और उसके और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको मेरे ब्लॉगर पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ मैंने पोस्टर डाली हुई है उसके, उससे वहाँ से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये मैंने थाम जो था उस पे सब चीजें लगा दी हैं। अब ये माला है हमारी गाय के लिए, और ये थोड़ा पकवान है जो मैं, अब यहाँ पे थोड़ा दही भी है, दही मैंने यहाँ चढ़ाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है जो दही है वो चढ़ा दूंगा थोड़ा। और अब मैं ये माला डालूंगा बच्चे के गले में और बाकी उनको पकवान खिला दूंगा, टीका लगा दूंगा। तो आइए चलते हैं सीधे गाय गाय और बैल की तरफ। दो बच्चे हैं छोटी बच्चे दोस्तों, उसके पांव उनको धोने चाहिए, पानी से टीका लगा दूंगा। देखिए नेचुरल ब्यूटी देखना चाहे तो लाजवाब। दोस्तों जैसे ये देख पा रहे हैं इसके गले में मैंने माला डाल दी है, टीका लगा दिया है। लगे है किलो लोग नहीं भाई, हथियाई हथियाई मान अरे वाजो नजर आ।